है कर गोम्पा, चलते हैं यहाँ से। मुझे लग रहा है यहाँ पे भयानक चढ़ाई होने वाली है। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, बाप रे बाप, अभी मॉइस्चराइजर लगा के निकला हूँ, फिर से मुंह धोने लगा। और देखिए पहाड़ और इसकी गंदगी देखिए। तो -10 डिग्री में खड़ी रही है, लेट्स सी स्टार्ट होगी एक बार मुझे नहीं। अभी तो इंजन पे काफ़ी धूप पड़ चुकी है, शायद स्टार्ट हो जाए। आए आए आए, ये देखिए पूरा सफ़ेद धुआं निकालते हुए। दोस्तों थोड़ी देर इसको स्टार्ट रखेंगे, थोड़ा टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर ऑप्टिमल हो जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और हम लोग चलेंगे धंकर मॉनेस्ट्री सबसे पहले सुबह सुबह। तो दोस्तों टाबो को बोल दिया है बाय बाय, और अब हम निकल रहे हैं धंकर मॉनेस्ट्री की तरफ। बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री है ये, टाबो का मेन गेट। यहाँ से निकल के चलते हैं सीधे धंकर मॉनेस्ट्री। तो दोस्तों जैसे ही आप टाबो से निकलेंगे गेट से और लेफ्ट टर्न लेंगे ताजा की तरफ, वैसे ही आपको थोड़ा सा 500 मीटर चलने के बाद आपको लेफ्ट साइड में का और राइट साइड में काफ़ी होम स्टेज और रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप रुक सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, और बहुत बहुत स्वागत है आपके नई वीडियो में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं टाबो से धंकर मॉनेस्ट्री तक। तो ये रास्ता हम लोग तय करेंगे लगभग 1.5 घंटे में, और डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। तो पहला आएगा रिवर व्यू पॉइंट, वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे नीडल रॉक फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग जो है नीडल स्ट्रक्चर के रॉक्स हैं, वो आपको जब वहाँ चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत ही यूनिक फॉर्मेशन है। और उसके बाद ये जो आप चढ़ाई देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन इसी चढ़ाई की है कि मेरी गाड़ी इस चढ़ाई पर चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ेगी, या रास्ते में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको आसपास की खूबसूरती का मज़ा लेने देते हैं। इतने शानदार नज़ारे, इतने शानदार नज़ारे भाई साहब, मतलब कातिल। बाहर देखिए आप, दोस्तों मैं कितनी जगह रिकॉर्ड करूं और कितनी जगह छोड़ूं। तो फुल एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करके तो आपको दिखा नहीं सकता, बट जितना दिखा सकता हूँ, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा फील आ सके कि हाँ भाई क्या जगह है। और ऊपर से जो दाल में तड़का पड़ता है ना, वो क्या है मालूम आपको? सोलो हूँ मैं, डर भी लगता है, मज़ा भी आता है, कभी अच्छा लगता है कभी ख़राब लगता है। तो अभी तक तो दोस्तों सोलो ट्रिप अच्छी जा रही है, बट बात करने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि इस ट्रिप में सिर्फ मैं हूं और आप हैं और अपना मैसेंजर, अपना कैमरा है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर मैं पहुंच गया इस स्पीति ट्रिप के बाद, तो फिर से एक नई ट्रिप प्लान करेंगे। तो ज़्यादा टारगेट नहीं है, 884 हो चुके हैं, लगभग 100-125 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सोलो आया हूँ तो ये तो सोच के सब्सक्राइब करिए, आप भी हिम्मत बांधिए और आइए। दोस्तों ये देखिए आपका आधा 28 किलोमीटर, माने 6 किलोमीटर। और इस तरफ का जो रोड है ना, ये पिन वैली में जो जा रहा है, मुझे लग रहा है पूरा बर्फ ही बर्फ है।
दोस्तों, ड्रोन शॉट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा हो। दोस्तों चलते हैं फिर यहाँ से आगे ढंकर मॉनेस्ट्री की तरफ। मन नहीं कर रहा है जाने का, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, बट टाइम नहीं है मेरे पास। गाड़ी का टॉर्क चेक करते हैं, बिना एक्सीलेटर के चलते हैं, देखते हैं ये पूरा पार कर पाएगी नहीं एक्सयूवी। एक्सीलेटर मैंने पैर उठा रखा है दोस्तों, काश मैं पैर दिखा सकता। ये देखिए पैर, ये है जूता मेरा, एक्सीलेटर पे पैर नहीं है। और ये गाड़ी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बिना कोई हाथ पैर दबाए हुए। ये देखिए आप, बिल्कुल मैंने एक्सीलेटर दिया ही नहीं है। क्या है यार, मजाक में लेते हैं लोग एक्सयूवी को। ये देखिए आप, हाय हाय, अगर बंद हो गया इंजन मान जाएंगे, पार हो गया गड्ढा गुड्ढी, बट स्लो स्पीड में होता है। ये देखिए अपने आप क्रॉल कर रही गाड़ी, इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं, बस गाड़ी चल रही है अपने टॉर्क की वजह से। ये है ढंकर मॉनेस्ट्री, ये एक होटल खुला हुआ है। चलते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, थोड़ा वॉशरूम भी कर लेंगे, थोड़ा हल्के हो लें और फिर चलते हैं। थोड़ा सा एक सीन गड़बड़ हो गया आपके लिए, मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पाया यहाँ पे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जैसे मैं ड्रोन थोड़ा हाइट में ले जा रहा हूँ तो वार्निंग आ रही है कि विंड स्पीड टू हाई, तो यार ड्रोन खो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो आगे भी तो ड्रोन शॉट्स लेने हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, एक चाय पी ली मैंने यहाँ पे, बहुत मज़ा आया, अब यहाँ से निकलते हैं आगे। दोस्तों ढंकर मॉनेस्ट्री के गेट तो बंद थे तो अंदर हम जा नहीं पाए, तो मैंने वहाँ पे एक चाय पी बस। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इस एरिया की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुकून भरी जगह जो है यहाँ पे। एक लेफ्ट साइड में जब आप उतरेंगे तो नीचे आपको दिखेगा एक हेलीपैड, तो मैं आपको वो हेलीपैड जाने का रास्ता भी दिखा रहा हूँ और आप यहाँ पे आ सकते हैं सुकून से। आप जो है बैठ के पूरे जो आसपास की खूबसूरती है और पूरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी आप सीरीन ब्यूटी को सोक इन कर सकते हैं वहाँ बैठ के। तो ये एक तरीके से बोनस लोकेशन है जो मैंने एक्सप्लोर करी है, तो आप भी इस लोकेशन का मज़ा ले लीजिए।